डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने वाले हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इन मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग और फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जब किसी बंदे की बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो कहते हैं कि इस पर्सन में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर जब किसी बंदे की बोन्स वीक हो जाती हैं तो कहते हैं कि इसमें कैल्शियम की कमी हो गई है। क्लियर? तो ऐसे ही जब हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें ऐसी मेडिसिन देखते हैं जिसमें पोटेशियम और सोडियम प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, अब हम इन मेटल्स के, सॉल्ट्स के ह्यूमन बॉडी में यूजेस देखने वाले हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। जो सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारे मसल्स और हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। कि अगर आपकी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका नर्वस सिस्टम और मसल्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। जो कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका ये फंक्शन होता है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। अगर इनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। क्लियर? तो कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दीज सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। और ये वाले जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, ये हमें हार्ट अटैक से भी बचाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O इज यूज फॉर ब्रोकन लिम्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ब्रोकन लिम्स के लिए भी यूज किया जाता है। पोटैश एलम इज यूज टू कोगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड। पोटैश एलम, बच्चों, कहते हैं फटकड़ी को, आपने अक्सर सुना होगा। अब ये वाली जो पोटैश एलम है, इसको यूज किया जाता है खून को जमाने के लिए, कोगुलेट द ब्लड। क्लियर? कि अगर आपको कहीं कट वगैरह लग गया है तो उस कट वगैरह में जो ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए पोटैश एलम को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। और पोटैश एलम को वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। बच्चों, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप गदला सा पानी ले, उसमें आपने क्या करना है कि पोटैश एलम फटकरी को जस्ट उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपने उसको बाहर निकाल लेना है और आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि उसमें जितना भी जो इम्प्योरिटीज होंगी ना, जितनी भी कोई डस्ट वगैरह, जितनी भी कोई इम्प्योरिटीज होगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर जो है ना, वो क्लीन वाटर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह जो पोटैश एलम है, इसको वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन के, बच्चों, जो सॉल्ट्स होते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉयटर। और आयोडीन के जो सॉल्ट है, इसको गॉयटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अब जो थायराइड ग्लैंड जो है, ये हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको इसकी शेप नजर आ रही होगी। क्लियर? और ये कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों, थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन रिलीज करने के लिए आयोडीन रिक्वायर होती है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ये वाले जो थायराइड ग्लैंड है, ये इनकी स्वेलिंग हो जाती है, ये इनलार्ज हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं गॉयटर, जिसको गिलहड़ की बीमारी भी कहते हैं। तो बच्चों, ये आप पिक्चर में देख लें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो गए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये वाले जो ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड, इनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं गॉयटर। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि आप ऐसा सॉल्ट यूज करें जिसके अंदर आयोडीन हो। तो बच्चों, आज हमने सॉल्ट्स की ह्यूमन बॉडी में यूज देखे हैं।